हे गाइस, हेलो, वेलकम टू दिस सेशन। कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? बहुत बारीक क्वेश्चन ही बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज वी कैन ऑप्ट आफ्टर पासिंग 12th विथ बायो, राइट? बायोलॉजी स्टूडेंट्स स्पेशली वॉच दिस वीडियो, यू विल बी गेटिंग सम ऑफ द एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन अप टू विच यू हैव नॉट नोन येट। पक्का ये वादा है, आप लोगों को इतना सारे कोर्सेज के बारे में नहीं पता होगा। That are the career options you can opt for. There is not only MBBS, there is not only BDS, there is not only veterinary. There are lots of many courses, right? Apart from this, so we'll discuss about the various courses you can opt for. You can go for these courses. All of the courses are very important, right? No one can replace the other courses, right? MBBS, the दूसरे courses को ऐसा नहीं है कि replace कर सकता है. Each and every courses are irreplaceable, right? And one stand their own importance. अपना अपना सबका importance है भाई, बहुत ही ज़्यादा importance है अपने अपने courses का. So ये सारे list आपके सामने देखो, possible list है. MBBS है, BDS है, BVSC veterinary जिसे आप कहते हो, ठीक है, veterinary. And there is BHMS, BHMS, BAMS. सब डिटेल से बताऊंगा मैं अभी आपको, बने रहना वीडियो पर और वीडियो को भी लाइक कर देना. BPT, फार्मा, बायोटेक, नर्सिंग, ये तो 10 लिस्ट हो गए, और भी 10 है बाकी आगे में. तो आपको लगता था कि फिलहाल आपको एक ही दो कोर्सेज लग रहा होगा, पता चल रहा होगा कि एक ही दो कोर्सेज होता है, ऐसा नहीं है. देर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉट्स ऑफ कैरियर्स आर देयर अंडर विच यू कैन गो एंड अंडर विच यू कैन फ्लोरिश वेल. सो देर आर लॉट्स ऑफ डिमांड इवन इन दिस पर्टिकुलर एरा, दिस पर्टिकुलर जनरेशन. देर आर लॉट्स ऑफ डिमांड ऑफ दिस, देर various courses are in demands, right? So forestry you can go for, horticulture, general sciences like zoology, botany, forensic science, BMLT, BSc, BASLP, BNYS, BUMS. So these are the various courses I have listed, but apart from these also there are lots of many courses. So these are the second, those are the secondary courses, but the primary courses, the things जितना भी हो सकता है मैंने यहाँ पे कोशिश किया है सारे courses को list up करने का. तो आप एक एक करके सारे courses को समझें, ठीक है. ऐसा नहीं है कि there is only one and one MBBS courses are there only. So you have to understand about the different courses also. Those are also very much important, right guys? So सबसे पहला MBBS तो है ही, इनके बारे में आप सब लोग जानते ही हैं. That is Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, है ना. 5.5 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है. नीट के थ्रू आपको ये कोर्स में अपना एडमिशन लेना होता है कॉलेज में, एंड यू कैन गो फॉर दिस डिग्री, राइट. इसके बाद आपको जो है डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है, ठीक है. तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज होते हैं, बहुत से कॉलेजेस हैं, है ना. सो अप टू दिस यू नो वेरी वेल, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा, दैट मीन्स, है ना. सेकेंड नंबर में मैंने BVSC को रखा है क्योंकि द डिमांड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, है ना. हर क्षण, हर दिन अगर हम कहें तो इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है. लोगों को एनिमल के प्रति जो है लव काफ़ी ज़्यादा है. देयर इज द कंसिक्वेंटली देयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि वो वेटनरी डॉक्टर्स के पास जाएंगे एंड देयर डॉक्टर्स विल गिविंग द हाई डिमांड्स, राइट. एंड इवन देयर इज अ गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो देयर इज ऑफर्ड टू दैट वेटनरी डॉक्टर्स. देयर आर लॉट्स ऑफ NGOs ऑल्सो, देयर आर लॉट्स ऑफ private firms, companies as well. So there are a very high demand of veterinary science, veterinary doctors, and this degree are also under very high demands. Cut-off bhi kafi zyada badh rahe hain guys iske. To ye NEET ke through hi aapko hota hai, and various states exam bhi hote hain iske, theek hai. Ye bhi aapko parallelly 5.5 saal ka hi course hai, and even the subjects of veterinary science are very much similar to that of MBBS, right? So yahan pe aap various animals ke bare mein aap padhte ho, apne interest ke hisab se aap is course ko opt kar sakte ho. द थर्ड वन इज डेंटल. यू नो ऑलवेज कि यहाँ पे आप MBBS के बाद अगर आपको कुछ थोड़ा सा अगर डेंटल भी आप करते हो, राइट, इसका कट ऑफ MBBS के जस्ट थोड़ा सा नीचे होता है. एंड ये भी आपको नीट एग्जामिनेशंस के थ्रू ही आपको लिया जाता है. डिफरेंट कोर्सेज इसके, डिफरेंट कॉलेजेज इसके जो ऑल इंडिया में है, वो गवर्नमेंट प्राइवेट सारे अवेलेबल हैं. बट गाइज एक बात मैं आपको बता दूँ, डेंटल कोर्सेज का अब जो है डिमांड घटता चला जा रहा है. इवन देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब्स, राइट. तो ऐसे में क्लिनिक्स वगैरह भी बहुत ही इसके हाई कॉस्टली इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है बच्चों. तो इसके लिए आपको डिमांड अगर है आपके एरिया में, अगर आपके पहले से ऑलरेडी फैमिली में ये अब चला आ रहा है, अगर डेंटिस्ट आपके घर में है कोई, तो आप इस पर जो है कोर्स कर दो, बढ़िया रहेगा. नेक्स्ट इज BHMS, दैट इज होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी. हेयर वी हैव ऑल्सो इंक्रीजिंग डिमांड डे बाई डे. लोगों होम्योपैथिक भी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेस ये जो है चलन में है, एंड दे आर
एक्सप्लोरिंग देयर ओन सेक्टर्स, अपने सेक्टर्स को भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं, राइट। लगभग ये शायद 4.5 साल का आसपास का कोर्स या 4 साल का ऐसा होता है, ठीक है। इसमें भी आपको जो है स्टेट एग्जाम्स वगैरह नीट के थ्रू डिफरेंट कोर्सेस में हो जाएंगे। फिफ्थ नंबर इज आयुर्वेदिक साइंसेस, तो ये बहुत ही पुराना साइंस है जिसका हम लोगों को इंडिया का एक गिफ्ट समझ लो आयुर्वेदिक का मिला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और एक्सप्लोरिंग कोर्सेस है, इससे में भी आप आगे जा सकते हो। देयर इज ऑल्सो वेरियस डिमांड्स, वेरियस कॉलेजेस आर देयर टू विच यू कैन ज्वाइन द कोर्सेस, राइट। तो नेक्स्ट हम बीएससी एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो इसका भी काफ़ी अच्छा डिमांड है। यू कैन गो फॉर द बैंकिंग एज वेल, बैंकिंग सेक्टर्स में भी इसका काफ़ी एक्सप्लोर है। साथ में आप देखो तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चर लैंड, तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिमांड बाय द गवर्नमेंट स्कीम्स, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट्स में आपका काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलता है। सो बहुत से अच्छे अच्छे यहाँ कॉलेजेस हैं, यहाँ पर ये लगभग 4 साल का कोर्स होता है, 4 ईयर्स का कोर्स होता है। गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही आपको मिल जाएंगे कॉलेजेस, और ये नीट के थ्रू आपका होता है, या फिर आप जनरली ICER का एक एग्ज़ाम होता है वो आप दे करके यहाँ पर अपना इनरोल हो सकते हो, ठीक है गाइज। BPT फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी भी एक तरह से बहुत ही ज्वाइंट सेक्टर है मेडिसिन और मेडिकल के तरफ से। हॉस्पिटल्स में एक विभाग फिजियोथेरेपी का नेसेसरी आप देखते होंगे, सारे हॉस्पिटल्स में आपको मिल जाएंगे। BPT कोर्सेज किए हुए डॉक्टर्स भी वहाँ पे जनरली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कोर्सेज भी वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स है, और यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बी फार्मा तो खैर आप जानते ही हैं, देयर अगर आपको मेडिसिन पर आपको स्टडी करना है तो फार्मेसी पे आपका जो है बहुत अच्छा एक ब्रांच है जिस पर आप क्या कर सकते हो, मेडिसिन के बारे में, फार्मेकोलॉजी के बारे में आप अच्छे से डिस्कस एंड डील यहाँ पे कर सकते हो। ये भी एक द वन ऑफ द डिमांडिंग कोर्स है, बी फार्मा, फिर एम फार्मा भी आप कर सकते हो मास्टर में, ठीक है। तो इसमें भी आपके वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वहाँ पे भी आपका बहुत अच्छा डिमांड होता है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा सेक्टर है भैया, इसमें आपको जान रहे हो अभी वैक्सीन वगैरह बनने का जो क्रम है वो सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स ने मिलकर के ये सब कुछ काम किया, डिफरेंट लेबोरेटरीज को इन्होंने हैंडल किया। तो यहाँ पे टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए आपको जो है बहुत अच्छा स्कोप है। बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्कोप, राइट। यहाँ से आप एक अच्छा फ्यूचर की तलाश कर सकते हो। 10th इज नर्सिंग, नर्सिंग जनरली आप जानते हैं ANM, GNM, आप ये सब वेरियस बहुत ही अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स अगर आप करते हो तो आपको एक अच्छा एक्सप्लोरेशन मिलता है, और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आपका जो है आराम से हो जाता है। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आसान कोर्स भी है। BFSC फिशरी साइंस, एक तरह से ये अलाइड कोर्सेस है एनिमल साइंस के साथ, पहले था और ये अब क्या है कि एनिमल साइंस से हट करके एक अलग सेक्टर बन गया है फिशरी साइंस। ये साइंस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको जो है कोस्टल एरियाज में काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं इसकी, जहाँ पर आपको जो है अपॉर्चुनिटीज मिलता है, वहाँ पे आप अपने आप को सेटल कर सकते हो। 4 साल का लगभग ये कोर्स है, ICER एग्जाम्स के थ्रू और नीट एग्जाम्स के थ्रू बच्चे कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं। BSc फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री आप जानते हो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द आवर इन्वायरमेंट, और यहाँ पे फॉरेस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे इवन पोस्ट आपको मिल जाते हैं जो कि हाई डिग्निटरीज पोस्ट होते हैं, और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कोर्सेस आपको लगभग 4 साल का है, एंड इवन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्सेज थ्रू ICER एग्जामिनेशंस एज वेल एज नीट एग्जामिनेशंस गाइज और स्टेट एग्जामिनेशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये भी अभी फील्ड एक्सप्लोर हो रहा है, काफ़ी हद तक एक्सप्लोर हो चुका है, बट अभी भी कुछ इसमें हद तक एक्सप्लोरेशन बाकी, एडवांसमेंट बाकी है। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कोर्सेस है ये, ठीक है, आप इसके लिए भी जा सकते हो। जिन बच्चों का ये मन है हॉर्टिकल्चर के लिए तो ये जा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा कोर्स होता है। जूलॉजी एंड बॉटनी, अगर आप लोगों को पता होगा जनरल साइंस है ये, तो जनरल साइंस में अगर आपको अपना आगे बढ़ते चले जाना है, MSc करना है, PhD करना है, तो आप जनरल साइंस में अपना जूलॉजी, एनिमल का स्टडी और बॉटनी और प्लांट और ट्रीज का स्टडी वगैरह आप करते हुए आगे बढ़ सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कोर्स, ठीक है। इस तरह का कोर्स भी हमारे जो सोसाइटी का एक बहुत ही अभिन्न पार्ट है, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस, भाई सालों के डॉक्टर को आपने देखा होगा, तो यहाँ फॉरेंसिक साइंस में आप जा सकते हैं। डिफरेंट साइबर क्राइम्स वगैरह में आपको जो है अपना आर्मी और पुलिस वगैरह के साथ आप काम कर सकते हो, इस तरह के टेक्निकल वर्क्स में आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है और लेस एक्सप्लोर्ड कोर्स नहीं है, काफ़ी एक्सप्लोर्ड कोर्स है बच्चों, ये जान लीजिए काफ़ी एक्सप्लोर्ड कोर्स है, और यहाँ पे आप बायो का डिफरेंट सेक्टर्स का जो है एप्लीकेशंस देखते हो, ठीक है।
ये BMLT आप लोगों ने सुना होगा, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो इसमें भी आपका जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के तौर पे इन्हीं तरह के विद्यार्थियों जो BMLT कर रखे होते हैं उनको रखा जाता है। तो लेबोरेटरी के अगर काम काज में आपको इंटरेस्ट है तो आप ये BMLT कोर्स कर सकते हो। BSc होम साइंस ये भी एक टाइप का अभी एक्सप्लोर होता ही है, जनरली आपको ये एक्सप्लोर होता हुआ सेक्टर है। तो ये भी कोर्स एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। BSc है, जनरल साइंस ही है, बट ये होम साइंस लेकर के आप कर सकते हो, बायो स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। BASLP इसके बारे में बहुत कम को पता है ना। ऑडियोलॉजी एंड स्पीच के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस तरह के कोर्सेस में विदेशों में काफ़ी हद तक इसका डिमांड है, और इंडिया में मैं जानता हूँ कि इंडिया में इसका थोड़ा सा कम है, बट बाहर में आप देखो तो अब्रॉड काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, अगला है BNYS। सबको पता है यौगिक साइंस और नेचुरोपैथी, मतलब हम एनवायरमेंट से जुड़ करके कुछ साइंस में एक्सप्लोर करते हैं। BNYS एक अच्छा कोर्स है, एक्सप्लोर हो रहा है, स्टिल इट इज एक्सप्लोरिंग, सो अभी ये बढ़ता हुआ साइंस है। ठीक है, BU यानी कि यूनानी मेडिसिन, ठीक है, यूनानी मेडिसिन भी एक टाइप को बहुत तवज्जो देते हैं, जिन लोगों को इस पर विश्वास होता है वो तो इसी के तरह का मेडिकेशंस करते हैं, और इवन बहुत अच्छा ये ब्रांच है। तो गाइज एक तरह से मैं बता सकता हूँ ये 20 जो कोर्सेज आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, आपको इसमें से कौन सा कोर्स अच्छा लगता है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहला प्रायोरिटी तो आप लोग अपना जो है हर कोई एग्जाम में एक्सप्लोर करना है, इवन दैट एम करना होता है, तो सब लोग MBBS की तरफ ही ध्यान देते हैं। बट गाइज ये अब जो है ऐसा सिनेरियो बदल चुका है सोसाइटीज का, इवन देयर स्टूडेंट्स आर गेटिंग द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दे आर ऑप्टिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, है ना, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्सेज ले रहे हैं भाई। सबको अपने अपने इंटरेस्ट का अच्छा अच्छा सा ख्याल है। जिनको एनिमल के साथ प्रेम है, अपने जीव जंतुओं की सेवा करने का मन है, वो वेटनरी साइंस में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जिनको फिशरीज का मन होता है वो फिशरीज में जाते हैं, जिनको फॉरेस्ट्री से रिलेटेड अच्छा लगता है कोर्सेज, तो अपने हिसाब अपने इंटरेस्ट पर है। एंड इवन कट ऑफ इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ अभी बढ़ता हुआ कट ऑफ आप देखोगे हर तरह के कोर्सेज में, बिकॉज कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं। सो गाइज कैसा लगा ये पूरा का पूरा सेशन और पूरा का पूरा वीडियो, जल्दी से कमेंट में अपने फेवरेट कोर्सेज का नाम बताएंगे, और अगर आपको ज्वाइन करना हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से तो आप कौन सा कोर्सेज ज्वाइन करना पसंद करोगे। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइज, यहाँ पे मैंने किसी को किसी तरह का कोर्सेज को डिफेम नहीं किया है, किसी तरह के कोर्सेज को मैंने गलत या फिर किसी तरह के कोर्सेज को अच्छा नहीं कहा है। ऑल दी कोर्सेज आर वेरी नाइस एंड ऑल दी कोर्सेज आर वेरी गुड एट देयर ओन पोजिशन। कोई भी कोर्सेज एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता, सो नो कोर्सेज इज गुड और बैड, जस्ट वी नीड टू बी बेस्ट ऑफ दैट फील्ड। हमें उस फील्ड में जाकर के उस फील्ड का बेस्ट बनना है, तो आप अपने आप में फोड़ सकते हो बच्चा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के वीडियोस के लिए। सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट, अपने फील्ड में आप लोगों को सबसे अच्छा मिले यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।